अरे सेठ जी, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कौन भाई, कहीं अडानी जी की तो बात नहीं कर रहे? ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से उनके संपत्ति में गिरावट जरूर आई है और उनको अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो बाकी भगोड़ों जैसा देश छोड़कर भाग जाएंगे। वो दोबारा संभले इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोबारा लोन दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देश से ऊपर कोई भी नहीं है। देश का कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। अब चाहे कोई भी गलती करे उसे सजा मिलना ही चाहे, चाहे वो गरीब हो, कमजोर हो या फिर अमीर हो, पावरफुल। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी में होता ही है। गरम मीडिया में भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए एक बार फिर से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया मनीष सिसोदिया को। घर मीडिया का काम भी यही है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उसे बिल्कुल फेयर तरीके से आम जनता तक पहुंचाए, जिसे ये लोग मनीष सिसोदिया मामले में किया भी है। अपने पर्सनल होठों से सही बोल रेला है तू। लेकिन लोगों के दिमाग में तब शंका पैदा होता है और इस मीडिया पे सवाल भी खड़े होने लगते हैं, जब देश का ट्रस्टेड कंपनी LIC, जिस पर करोड़ों आम गरीब जनता के पैसे लगे हों और जिसका भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ये मीडिया कुछ नहीं बोलती है। क्या बात कर रहे हैं? हम समझाता हूँ। LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में जो निवेश किया था उसकी वैल्यू अब नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब हुआ कि LIC ने जो पैसा अडानी ग्रुप में लगाया था अब वो खरीद वैल्यू के नीचे चला गया है। सुनते हैं आप? चाहे आप जितना भी चिल्ला ले, लेकिन इस मीडिया को ये सब चीजें दिखा ही नहीं देती है। जबकि हालात तो ये बने हुए हैं कि LIC ने अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर में जो इन्वेस्ट किए थे उसका वैल्यू 30,000 करोड़ से भी नीचे गिर चुका है। ये भगवान क्या जुलुम है? जबकि LIC ने अडानी ग्रुप में 30,127 करोड़ का निवेश किया था। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? आज देश की जनता मीडिया से यही सवाल कर रही है कि LIC जिस पर आम पब्लिक के पैसे हैं, जिसका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और ये मीडिया है कि कुछ सवाल ही नहीं करता है। भाई कुछ तो सवाल होना चाहिए था ना, कुछ तो जांच वगैरह का मांग किया जाना था ना। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। लेकिन पता नहीं इन गोदियों को क्या हो गया है, कुछ सवाल ही नहीं करते हैं, कहीं इनको सांप तो नहीं सूंघ लिया है। कैसे लोग रहते हैं यार।